चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी सिनेमा जगत के स्टार गायक व नायक यंगरी यंगमैन पवन सिंह अपने प्रशंसकों और जगत जननी माँ जगदम्बे के भक्तों के लिए अपनी मधुर आवाज में भोजपुरी देवी गीत का एल्बम माई के चुनरी चढ़ाई लेके आ रहे हैं। पवन सिंह के इस देवी गीत को संगीत प्रेमी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। माता रानी के भक्ति भाव में सराबोर इस देवी गीत के एल्बम को वेब म्यूजिक द्वारा जारी किया जाएगा। दुलार देवी माई के बाद एक बार फिर से इस देवी गीत के एल्बम में श्रोताओं को पवन सिंह के साथ अक्षरा सिंह की मधुर आवाज सुनने को मिलेगी। इस एल्बम को लिखा है मनोज मतलबी ने, जबकि संगीत से सजाया छोटे बाबा ने। इस एल्बम के लिए परिकल्पना दीपक सिंह ने किया है। उल्लेखनीय है कि पवन सिंह अपने प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के लिए फिल्मों के अलावा समय समय पर म्यूजिक वीडियो और ऑडियो लेके आते रहते हैं। फिल्मों में व्यस्तता के बावजूद भी ये संगीत प्रेमियों के लिए समय समय पर स्टेज शो और म्यूजिक एल्बम करते रहते हैं। हाल ही में बकरीद के मौके पर कतर में प्रशंसकों के भरपूर मनोरंजन, कतर की राजधानी दोहा में पवन सिंह ने स्टेज शो करके दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। आपको बताते चले कि पवन सिंह और मधु शर्मा की रोमांटिक जोड़ी माँ तुझे सलाम में एक बार फिर से नजर आने वाली है। भोजपुरी फिल्म चैलेंज की अपार सफलता के बाद यसे फिल्म्स के बैनर तले निर्देशक प्रेमांशु सिंह के निर्देशन में बन रही पवन सिंह की फिल्म माँ तुझे सलाम की शूटिंग जोर शोर से जारी है। फिल्म की शूटिंग लंदन के खूबसूरत लोकेशन पर भी किया गया है। इस फिल्म में पवन सिंह का एकदम बेहद नया अवतार के साथ जबरदस्त एक्शन सीन दर्शकों को देखने को मिलेगा।